नमस्ते, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। यह है dlalantop.com का न्यूज रूम। ये वाक्य मैं दिन में इतनी बार बोलता हूं कि मुझे लगता है कोई मुझे नींद में झिंझोड़ के खड़ा कर दे तो भी सबसे पहले यही वाक्य निकलेगा। बहरहाल, आज के मुद्दे पे लौटते हैं। मेरे साथ एक जर्नलिस्ट हैं जिनकी जर्नलिस्ट बिरादरी में बहुत इज्जत है। 1991 से जर्नलिज्म कर रही हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, CNN, IBN, कई ऑर्गेनाइजेशन में, आउटलुक की विनोद मेहता की ड्रीम टीम में थी, कई ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। ट्रोलर्स को भी बहुत पसंद हैं, अलग अलग तमगे उनके माथे पे चिपका रखे हैं। और इसीलिए ललन टॉप के हैंडल से, जैसे ये बताया गया कि हम सागरिका घोष से उनकी इस नई किताब पर बात करेंगे, तो वहाँ पर भी लोग फूल बरसाने लगे। शुक्रिया। ये इंदिरा, इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर सागरिका घोष, जगरनॉट बुक से किताब आई है। बड़ा शानदार इसका रिलीज फंक्शन हुआ और बहुत ही कमाल की डिबेट हुई रिलीज फंक्शन में। अरुण शौरी वहाँ पर थे, पी चिदम्बरम थे, सागरिका थी और द ब्रिलियंट करण थापर उस पूरे शो को मॉडरेट कर रहे थे। और वहाँ का एक किस्सा सुना दूँ, उसके बाद सागरिका से बात शुरू करेंगे। किस्सा, अरुण शौरी ने, हम जर्नलिस्टों के पोस्टर बॉय, हम लोग कल ही मुझसे कोई पूछ रहे थे कि एक हमारे पत्रकार साथी बात कर रहे थे, मैंने पूछा कि एक पत्रकार के तौर पर तुम्हारी क्या महत्वाकांक्षा है। बोले, मैं चाहता हूँ कि मेरी लिखी खबर संसद में उसकी प्रति लहराई जाए और उस पर जिरह हो। तो मैंने कहा कि शायद लक्ष्य इससे भी बड़ा होना चाहिए कि मेरी लिखी खबर से इतना बड़ा एक्सपोज हो कि सरकारें गिर जाएं, जैसे अरुण शौरी की रिपोर्टिंग से महाराष्ट्र के कांग्रेस के मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले को इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे स्कैम, ऐसी महत्वाकांक्षा। अरुण शौरी ने किस्सा यह सुनाया कि बार बार कहा जाता है कि नेहरू नहीं चाहते थे कि इंदिरा फिरोज से शादी करें, और शादी के बाद भी नेहरू ये कोशिशें करते रहे कि उनकी शादी ना चले, जबकि सच ये है कि नेहरू फिरोज की पैरवी करते थे सामने आए बिना, और नेहरू की ही पैरवी पर फिरोज को इंडियन एक्सप्रेस में नौकरी मिली थी दिल्ली में। ये बात अरुण शौरी ने बताई थी। सागरिका, पहला सवाल, इंदिरा पे ही किताब क्यों? मतलब एक तो आपने बताया कि 100 बरस पूरे हो गए उनकी, अगर इंदिरा जी जीवित होती तो 100 साल की होती, और भी कोई वजह है इतने सारे पॉलिटिकल फिगर्स के बीच इंदिरा को चुनने की? सौरभ, दिस इज़ अ सेंटिनरी ईयर, ये उनका 100 ईयर्स है। सो मुझे कमीशन किया गया था बाय जगरनॉट पब्लिशर्स टू राइट द बुक, तो इसीलिए मैंने इस बुक पर काम करना शुरू किया। पर इंदिरा गांधी एक ऐसी नेता है, एक ऐसी महिला है जिसका नाम सुनते ही सबको किसी कुछ ना कुछ तो हो जाता है, दे रिएक्ट। मैं जब भी इलेक्शन के लिए कवरेज के लिए जाती हूँ, आई गो टू नॉर्थ इंडिया, आई गो टू साउथ इंडिया, किसी बुजुर्ग से आप कहेंगे इंदिरा गांधी, जब अगर इंदिरा गांधी यहाँ आती थी तो क्या करती थी, आपको इंदिरा गांधी याद है क्या, क्या आप इंदिरा गांधी को कभी याद करते हैं? एवरीबडी हैज़ अ मेमोरी, एवरीबडी हैज़ अ सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग फॉर इंदिरा गांधी, यू नो देर इज अ, उनके अंदर मुझे लगता है एक जादू था, एक करिश्मा था, और उनका प्रभाव, देखिए उनका प्रभाव अभी तक भी मैं समझती हूँ राजनीति पर है। उनका जो राजनीति जिस तरह से वो करती थी, द इंदिरा गांधी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, सुप्रीमो कल्ट, सुप्रीम इन पार्टी, पॉपुलिज्म, परिवारवाद, उनको तो पार्टी प्रेसिडेंट की भी जरूरत नहीं थी, जैसे मोदी को अमित शाह की जरूरत है, उनको तो उनके लिए तो कोई अमित शाह भी नहीं था, she was all in all, वही संगठन की मालिक, वही सरकार की मालिक। So whether it's ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, जयललिता, MGR, नरेंद्र मोदी, ऑल द सुप्रीमो लीडर्स, दे आर ऑल लुकिंग एट द इंदिरा गांधी प्लेबुक तो उन्होंने ही लिखा था, इस महिला ने लिखा था वो प्लेबुक, जिससे मैं समझती हूँ हमारा पूरा राजनीति, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द इंदिरा गांधी प्लेबुक। ऑलराइट, इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, हाउ विल यू डिफाइन दिस पावरफुल? अगर मैं एज अ पॉलिटिक्स का स्टूडेंट देखता हूँ, चुनाव जीतने के मामले में इंदिरा गांधी की कोई सानी नहीं थी। दो बार कांग्रेस स्प्लिट हुई, 69 में हुई, 71 जीता, 78 हुई, 80 जीता, लेकिन 1971 के वॉर को छोड़ के इंदिरा गांधी का कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, 71 का वॉर, पोखरण का विस्फोट, बैंकों का नेशनलाइजेशन, तीन पृथ्वी पर्स खत्म करना, उसको लेके बहुत डिबेट हो सकती है, खासतौर पे जो 80 से 84 की इंदिरा को हम देखते हैं, तो शी इज सो वीक एंड फ्लाउंडरिंग। असम में इलेक्शन करवा दिए, 2% टर्नआउट, पंजाब कश्मीर में अब्दुल्ला को डिसमिस कर दिया, ऐसे में ये क्लेम कि शी
इज और शी वॉज इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, क्या इसका आधार है? I have said she is the most powerful prime minister, not that she was the best prime minister. Okay. So that is the difference. कि मैं समझती हूँ कि जिस तरह से वो politics खेलती थी, जिस तरह से वो राजनीति करती थी, एक तरह से एक ruthless power politician जो वो थी, और जिस तरह से power को वो understand करती थी, you know how to understand power, how to use power. That I don't think any politician has so far been able to do. और देखिए 66 से 84 तक उन्होंने almost 20 years, except वो 2 साल का gap था बीच में, when she was out of power. But she was in power in and the supreme authority in government and in the party. And उनका जो ये इस तरह से एक brand of politics था कि जो भी उनके लिए राइवल होके खड़ा हो जाते थे पार्टी के अंदर, खत्म करो, ऑफ विथ हिज हेड. कोई भी मुख्यमंत्री शोज इंडिपेंडेंस, ऑफ विथ हिज हेड. कोई भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता या कोई भी पॉलिटिकल जो भी यू नो एनी इंडिविजुअल जो उनको चैलेंज कर सकता था, वो सबको उन्होंने खत्म कर दिया. तो इफ दिस इज नॉट पावर, then what is? So I'm saying she is the most powerful, not the best. Maybe best के लिए हमें रुकना पड़ेगा, best के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन best prime minister होता है. But power से खेलने वाली politician she was the most. ये आपने ठीक जिक्र किया कि जिसने भी सर उठाया. राग दरबारी कभी सुनिएगा YouTube पर या कहीं और, ये classical music के सबसे सुंदर रागों में से एक है कान के लिहाज से. लेकिन राजनीति में ये सबसे भद्दा राग होता है, जब आपकी रीढ़ की हड्डी विलुप्त हो जाती है और ना खाता ना बही, जो सुप्रीमो कहे वही सही वाला नारा, इकलौता नारा होता है. नेहरू पर इल्ज़ाम लगते हैं कि उन्होंने एक एक करके अपने कद्दावर राजनीतिक विरोधियों को खत्म कर दिया. सी राजगोपालाचारी को खत्म किया, मजबूरन उनको स्वतंत्र पार्टी बनानी पड़ी, जेपी पॉलिटिक्स से चले गए, लोहिया कभी फोल्ड में नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद नेहरू ने रीजनल छत्रप्स को कभी कट डाउन नहीं किया. कांग्रेस में नेहरू के वक्त में हर राज्य में एक ऐसा नेता था जो अपने दम पर चुनाव जीतता था. देखिए जैसे सिंडिकेट था, व्हेन नेहरू डाइड कौन से लीडर उभर के आए, सारे जो सिंडिकेट के लीडर्स थे, जो एस के पाटिल बॉम्बे, निजलिंगप्पा कामराज, अतुल्य घोष, संजीव रेड्डी, बीजू पटनायक, दीज वर द लीडर्स ऑफ द सिंडिकेट. एक बहुत ही एक स्टोरी, जब व्हेन आई वाज रिसर्चिंग द बुक somebody टोल्ड मी दिस वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, जब नेहरू डाइड सिंडिकेट के लीडर्स थे, सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल सत्रप्स थे कांग्रेस के अंदर, पर जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई तब द ओनली द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन आफ्टर इंदिरा गांधी वॉज राजेंद्र कुमार धवन. मतलब जो उनके सेक्रेटरी थे मैंने उनको सबको खत्म कर दिया था. बाय द टाइम ऑफ हर डेथ वो प्राइम मिनिस्टर भी थी, लीडर ऑफ द कांग्रेस अध्यक्ष भी थी, और लीडर ऑफ द पार्टी इन द लोकसभा भी थी. तो उनके मतलब देर कुड बी नो सेकेंड इन कमांड एक्सेप्ट हर सन. सो आपने कही कि उन्होंने प्रिविलेज प्रिवी पर्स खत्म कर दिया, प्रिंसेस के जो प्रिविलेज थे वो खत्म कर दिया, इंडिया में प्रिवी पर्स खत्म कर दिया, पर पॉलिटिक्स में शी ब्रॉट बैक द प्रिंसली, शी ब्रॉट बैक अ डायनेस्टी. तो उन्होंने प्रिंसेस को तो हटा दिया, पर इन पॉलिटिक्स शी क्रिएटेड अ प्रिंस इन संजय गांधी. एंड उन्होंने परिवारवाद और वंशवाद तो इंदिरा गांधी ने ही शुरू किया इन पॉलिटिक्स. हमारे कानपुर में एक जुमला चलता है कि गनीमत है इंदिरा जी के तीसरा बेटा नहीं था, वरना वो भी 91 के बाद वो प्रधानमंत्री बनता. एंड दिस इज व्हाट आई फाउंड कि जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे लगा कि उनके अंदर कोई डाउट नहीं था कि हाँ हमारा, मेरा ही परिवार, गांधी परिवार, नेहरू परिवार, हम ही देश को चलाएंगे. तो इनके अंदर ये इसके बारे में उनके मन के अंदर कोई डाउट नहीं, कभी नहीं था. सागरिका, आप 26 साल से पॉलिटिक्स कवर कर रही हैं, यू स्टार्टेड योर करियर इन 1991. ये बहुत अजीब नहीं लगता है कि एक पार्टी है जो आज भी बहुत ज्यादा यही कहती है कि राहुल जी आए? बिकॉज यू सी सौरभ, द थिंग इज ये पार्टी ही नहीं है, ये तो एक परिवार का प्राइवेट बगीचा है. जैसे 1969 में जब कांग्रेस स्प्लिट हुआ, तब शी स्प्लिट द कांग्रेस, तो कांग्रेस बिकेम हु, कांग्रेस आर जो इंदिरा एंड कांग्रेस ओ, और कांग्रेस आर जो हुई, जो बनी, जो पार्टी बनी, वो सारे जो लॉयलिस्ट थे इंदिरा गांधी के, जो लॉयलिस्ट थे वो उनके इर्द गिर्द आ गए, और दे क्लस्टर राउंड दैट बिकेम कांग्रेस आर. दैट सेम कांग्रेस आर स्प्लिट अगेन इन 1978
और उस लॉयलिस्ट के बीच में जो और भी लॉयलिस्ट थे, सुपर लॉयलिस्ट जैल सिंह, कमलापत त्रिपाठी, पीवी नरसिंह राव, प्रणब मुखर्जी, दे फॉर्म द कांग्रेस आए। तो ये तो पार्टी, मैं समझती हूँ ये पार्टी तो शायद ये है ही नहीं, ये एक तरह का फैमिली का बगीचा है। इनफैक्ट इनको अपना नाम भी इनका या कांग्रेस आई से बदल के कांग्रेस नहीं करना चाहिए, वो कांग्रेस आई ही सबसे कांग्रेस इंदिरा इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आपने अपनी किताब खत्म की है एक बहुत ही पावरफुल मेमोरी में कहूँगा, जिसमें आप बोल रही हैं कि इनफैक्ट अगर मैं, आपने एयरपोर्ट पे मिलने का एक वाकया है जिसका जिक्र सागरिका ने किया, जब एक ये बच्ची थी या I was 13, तो एयरपोर्ट पर मिली थी और इंदिरा गांधी की उस वक्त वैसी ही अवस्था थी जैसी एक हतभाग्य पराजित राजा की होती है। सत्ता गंवा चुकी थी, एयरपोर्ट पर अकेली बैठी थी, एक दो सहयोगी थे और एक लड़की उनके पास जाती है कि मैम ऑटोग्राफ प्लीज, और तो उनके हाथ में प्लास्टर है, उन्हें उनके हाथ में फिंगर्स ऐसे प्लास्टर किए हुए थे, सॉरी और फिर आपको बहुत याद है कि जब मैं जा रही थी तो मैंने कहा सॉरी मैडम, ओके, तो फिर मैं जब जा रही थी, मैं मुड़ के चली जा रही थी, आई लुक बैक एट हर एंड आई फाउंड दैट मेरी ओर इस तरह से, मतलब एकदम एक टक देख रही थी, एज इफ टू से कि तुम मुझे भूलो नहीं, मैं इंदिरा गांधी हूँ, मुझे भूलो नहीं। आपने किताब की शुरुआत में जिक्र किया CSDS के 2006 के एक सर्वे का, जिसमें ये सामने आया कि इंदिरा गांधी आज भी देश में दूसरी सबसे लोकप्रिय भारतीय हैं महात्मा गांधी के बाद, CSDS के सर्वे के मुताबिक। लोकप्रिय नहीं, उन रिकॉग्नाइज्ड, सबसे ज्यादा याद की जाने वाली। पर इंदिरा का जब भी जिक्र आता है तो कुछ पुरुषों का जिक्र आता है, इंदिरा के औरत होने का जिक्र आता है, और इनफैक्ट जो आपने लोगों के बीच इंदिरा की इमेज की बात की, मेरी माँ उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा है जालौन, वहां पे लड़कियों के लिए एक स्कूल है सरकारी, कस्तूरबा इंटर कॉलेज, वो वहां पे पढ़ती थी, और उनकी जो स्मृति है कि हमारे यहाँ इंदिरा जी पुरस्कार बांटने आई थी, और तो मैंने कहा तो क्या याद है आपको, तो वो बोली कि सर से पल्ला नहीं गिरता था, और ऐसे लेदर वाली, बहुत लोग ये कहते हैं उनके बारे में कि पल्लू कभी सर से गिरता नहीं था उनका, और सबको भाई, सबको ठाकुर साहब, मतलब उनकी कैसे राजनीतिक स्मृतियां दर्ज होती हैं कि सुषमा स्वराज उन्हें पसंद है जी, तो बोले देखिए बिंदी लगाती हैं, तो मतलब बहुत ही कनेक्ट अलग है भारतीय महिलाओं का, है तो, लेकिन स्त्री होने के चलते उन पर कई बुरी बोलती थी, अवधि रायबरेली में जाती थी, सारे जो अपने वहां के जो हैं भाषा। पांच पुरुष हैं, नेहरू की बात तो बहुत हुई, जिनका मैं एक एक करके नाम लूंगा, जिनका आपने किताब में अलग अलग प्रसंगों में जिक्र किया है, और जिनका इंदिरा के साथ बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशन रहा और जिसने उनके पॉलिटिकल ग्राफ को भी डिफाइन किया। पहला नाम है मथाई का, जो नेहरू के सहयोगी थे, भ्रष्टाचार के इल्जाम में PMO से निकाल के बाहर फेंक दिए गए थे। उन्होंने जो किताब लिखी उसका एक चैप्टर जो हटा दिया गया किताब से, चैप्टर नंबर 29, टाइटल शी, और कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये चैप्टर था कि नहीं था, उस चैप्टर की कहानी बताइए क्योंकि आपने जिक्र किया है इस किताब में। वो चैप्टर बहुत वाइडली अवेलेबल है ऑनलाइन, वाइडली अवेलेबल है, अगर आप जाएंगे, अगर आप गूगल पे जाएंगे और अगर शी टाइप करेंगे तो आपको ये चैप्टर मिल जाएगा, ये चैप्टर वेबसाइट पे है। और जो सारे जो बायोग्राफर्स हैं, जो इंदिरा गांधी के बायोग्राफर्स हैं, उन्होंने सबने लिखा है कि ये चैप्टर है जो शी चैप्टर है, विच वॉज रूमर टू बी रिटन बाय मथाई। क्या था तो उस चैप्टर में? तो उस चैप्टर में देखिए, वो चैप्टर में नहीं, जितना कंटेंट आपने किताब में जिक्र किया उतना बता दीजिए। उस चैप्टर में अब उसको देख सकते हैं, इफ यू गो टू गूगल यू कैन सी द शी चैप्टर। मैंने जो लिखा है वो तो बहुत, मतलब वाटर डाउन वर्जन है। अच्छा, और भी एक्सप्लिसिट है, बहुत ज्यादा है, अगर आप जाएंगे गूगल पे तो। यार ये वाइडली अवेलेबल है, ये नहीं कि मैंने कुछ कथित तौर पर मथाई के लिखे इस चैप्टर में मथाई और इंदिरा गांधी के बीच के प्रेम प्रसंग का बहुत ही विस्तार से ग्राफिकल ढंग से जिक्र किया गया है। नाउ मेनका गांधी जब अपनी सास के घर से निकल गई, फॉल आउट इन 1982, मेनका गांधी ने इस चैप्टर को जर्नलिस्ट के अंदर सर्कुलेट किया था, और बहुत सारे जर्नलिस्ट थे उस टाइम के जर्नलिस्ट जिनको ये चैप्टर मिला
राइट, तो वो इनको ये चैप्टर दिया गया और दिस वाज टोल्ड दैट दिस वाज रिटन बाय मथाय, दे वर टोल्ड, और मैंने इंदर मल्होत्रा को इंटरव्यू किया था, हमारे जाने माने कॉलीग जर्नलिस्ट इंदर मल्होत्रा जो अभी नहीं रहे, आई इंटरव्यूड हिम फॉर द बुक, इंदर मल्होत्रा को भी ये कॉपी, एक चैप्टर का कॉपी मिला था उस वक्त, एंड ही टोल्ड मी दैट द राइटिंग स्टाइल जो है इस चैप्टर के अंदर, बिकॉज वो मथाय को पहचानते थे, वो जानते थे मथाय को, तो ही टोल्ड मी द राइटिंग स्टाइल इन दिस चैप्टर इज सिमिलर टू मथायज. और कैथरीन फ्रैंक जो इंदिरा गांधी के बायोग्राफर हैं, उन्होंने जब बी के नेहरू जी को इंटरव्यू किया, बी के नेहरू जैसे आप जानते हैं इज वॉज इंदिरा गांधी इज अंकल, जो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे, जो गांधी परिवार के एक प्रकार से भीष्म पितामह थे, बी के नेहरू वॉज खासतौर पर नेहरू की मौत के बाद, नेहरू के मौत के बाद ही बिकेम द कर्ता धर्ता ऑफ द नेहरू फैमिली. जब बी के नेहरू को कैथरीन फ्रैंक ने इंटरव्यू किया, तो बी के नेहरू ने कहा इस इन दैट इंटरव्यू दैट दिस चैप्टर इज मोर फैक्ट देन फिक्शन. अच्छा, एक और बात है, एस गोपाल हु इज नेहरूज बायोग्राफर, सर्वपल्ली गोपाल जो नेहरू के बायोग्राफर है, उन्होंने चैप्टर के बारे में नहीं लिखा है, पर उन्होंने इंदिरा और मथाय के बारे में लिखा है कि इंदिरा एनकरेज्ड हिम बियॉन्ड द नॉर्मल लिमिट्स. ये भी तो इसीलिए, बिकॉज सो मेनी पीपल हैव स्पोकन अबाउट दिस चैप्टर एंड सो मेनी पीपल हैव स्पोकन अबाउट कि दिस एलिजेड अफेयर, इसीलिए मैंने इसको इसके बारे में लिखा है. बट आई हैव टू से कि ये वेरीफाई नहीं है. और जब मैंने हरानंद पब्लिशर के जो हेड हैं, जो नरेंद्र कुमार जी, मैंने उनको भी इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि भाई मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हमें जो इंटर मैन्यूस्क्रिप्ट मिली, जो मथाय की जो किताब थी, उसके अंदर ये चैप्टर नहीं था. इससे जुड़ा एक बड़ा सवाल है जिस पर मैं इन पांचों नामों के बाद आऊंगा, धीरेंद्र ब्रह्मचारी क्या था? मतलब दूध पी के डकारता था, इंदिरा जी पसंद नहीं करती थी, नंगे बदन रहते थे, अपनी कंपनी खड़ी कर ली. अब शी चैप्टर में धीरेंद्र ब्रह्मचारी के बारे में पढ़िए, उसमें धीरेंद्र ब्रह्मचारी का भी है. मैंने लिखा नहीं है. हाँ, आपने जिक्र नहीं किया. नहीं, मैंने जिक्र नहीं, देखिए मैंने वो चैप्टर से ज्यादा वो नहीं किया, मैंने कोट नहीं किया, क्योंकि बिकॉज इट्स एन अनवेरिफाइड चैप्टर, तो वेदर मथाय रोटेड और नॉट इज नॉट क्लियर, तो इसलिए मैंने उसका उसको ज्यादा कोट नहीं किया. पर अगर आप उस चैप्टर को देखेंगे, शायद मैं इस चैट के बाद आपको वो चैप्टर दिखा सकती हूँ, उसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के बारे में क्या कहा. हाँ, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के बारे में भी कहा जाता था कि वो वगैरह वगैरह, देयर वाज एन रिलेशनशिप, बट दैट हैज नेवर बीन प्रूवन. मुझे लेकिन ये समझ में नहीं आया कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने सबसे ज्यादा ताकत हासिल की इंदिरा और संजय के वक्त के में. टाइम में, तो अगर ऐसा कुछ होता तो संजय क्यों अलाउ करते? हाँ, एग्जैक्टली. इसका मतलब है कि आई डोंट थिंक इंदिरा गांधी वाज रेगुलर इन योगा, वो रोज सवेरे उठ के 6 बजे, और वो उनके अच्छे स्वास्थ्य की एक वजह थी, बहुत बहुत वजह थी, बिकॉज शी वाज रेगुलर इन योगा, वो बहुत एवरी डे शी यूज्ड टू डू योगा, सवेरे 6 बजे उठ के 6:30 to 7 o'clock वाज योगा, वो हाफ एन आवर योगा करती थी. और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी उनके योगा इंस्ट्रक्टर थे फॉर मेनी इयर्स, ही जॉइंड नेहरू 1969. अच्छा, उन्होंने वो नेहरू को भी सिखाते थे, जैसे आप जानते हैं नेहरू तो बहुत अच्छे योगा करते थे और शीर्षासना और हेड स्टैंड भी करते थे, और बहुत बार उन्होंने चिट्ठी में भी इंदिरा को लिखा कि आप शीर्षासना, हिंदू बॉय शीर्षासन करो, निकल सिलवाओ, दौड़ो, शीर्षासन करो, शीर्षासन करो. तो ही वॉज हर योगा टीचर. इसके उसके अलावा यू नो द स्पेक्यूलेशन अराउंड हिम आई थिंक इज नॉट वेरीफाइड. फिरोज गांधी, हम लोग अभी जिक्र कर रहे थे कि पहली मर्तबा जब इंदिरा को फिरोज और जवाहरलाल में एक पुरुष चुनना पड़ा, तब उन्होंने फिरोज को चुना और पिता की, पापू की, उनके शब्दों में कहूं तो मर्जी के खिलाफ शादी की. ही वॉज द ऑपोजिट ऑफ जवाहरलाल. जो जवाहरलाल जो थे बहुत मतलब ऑक्सफोर्ड एडुकेटेड, इंग्लिश पॉलिश्ड, वेरी कल्टिवेटेड, वेरी सोफिस्टिकेटेड, उनकी आवाज कभी ऊपर नहीं जाती थी, वो बहुत मतलब पॉलिश्ड, ही वॉज एन इंग्लिश मैन. फिरोज गांधी बहुत ही दिलचस्प आदमी थे, बड़े मतलब शौकीन और बहुत खाना खाते थे, इलाहाबाद लखनऊ का जैसा एक होगा, लाउड, शराब थोड़ा सा, ड्रिंक्स ऑल्सो, लॉट ऑफ लेडी फ्रेंड्स, ये उनका बहुत बड़ा एक वीकनेस था, द लेडीज इन हिज लाइफ, और अ वेरी
कलरफुल फ्लैम्बॉयंट पर्सन, यू नो, रंगीला, ही वॉज अ रंगीला. संजय गांधी उन्हीं पर गए, उन्हीं पर गए थे शायद. सो पर जो भी फिरोज गांधी को जानते थे, जैसे इंदर मल्होत्रा फिरोज गांधी के बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत करीब के दोस्त थे. विनोद मेहता भी फिरोज गांधी को बहुत अच्छी तरह से जानते थे. वो बोथ ऑफ देम टोल्ड मी कि फिरोज वॉज अ लवली मैन, ही वॉज फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ बीन्स, और बहुत ही पोलिटिकल इंटेग्रिटी बहुत थी उनके अंदर. देखिए, एज अ पार्लियामेंटेरियन ही वॉज फैंटास्टिक. उन्होंने मुंद्रा केस को एक्सपोज किया, उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस का, LIC का नेशनलाइजेशन उन्होंने किया, नंबूद्रीपाद गवर्नमेंट उन्होंने इंदिरा गांधी को अपोज किया जब वो नंबूद्रीपाद गवर्नमेंट को गिरा रहे थे, और तो वो अध्यक्ष थी. उन्होंने इंदिरा गांधी को कन्वर्सेशन यू मेंशन कॉल्ड अ फैशिस्ट. तो ही वॉज अ रंगीला इन पर्सनल लाइफ, बट पोलिटिकली He had a lot of integrity. लोकसभा में फिरोज गांधी, रायबरेली के सांसद फिरोज गांधी, जिस कोने में बैठते थे उसको फिरोज गांधी का कोना कहा जाता था, और बड़ा लाइव होता था वहां पे, हंसी ठट्टा हो रहा है. Exactly like that. हंसी मजाक, lot of jokes. पर उनकी एक कमी थी कि जैसे क्यूपिड्स एरोज, क्यूपिड जो होते हैं, नाड़े के ढीले थे, देशज ढंग से कहूं तो नाड़े के ढीले थे. और एक बार तो नेहरू को सीधा दखल देना पड़ा, क्योंकि इंदिरा नेहरू की देखभाल के लिए प्रधानमंत्री आवास, जो कि तीन मूर्ति भवन था, वहां रहती थी. फिरोज जो कि नेशनल हेराल्ड के मैनेजिंग एडिटर थे कि जनरल मैनेजर थे, जनरल मैनेजर थे, और उनका कांग्रेस के एक लखनऊ के मुस्लिम लीडर की पत्नी के साथ अफेयर शुरू हो गया, मिसेस अली जहीर के साथ. और तब यहाँ इनको भेजना पड़ा था किसी को, रफी अहमद किदवई गए थे दखल देने, और किसी तरह मामला हुआ, मामला को ठीक करने. इनके बीच मनमुटाव की क्या ये इकलौती वजह थी, या ये वजह थी कि इंदिरा यहाँ पर रहने आ गई थी अपने पिता के साथ, इसलिए नहीं बनी? It was difficult for Firoz to be Nehru's son-in-law. देखिए, ये हर आदमी के लिए शायद, ये रॉबर्ट वाड्रा का उल्टा है. उल्टा है क्यों? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की एक मीटिंग हो रही थी, और सारे कांग्रेसमैन आए थे उस टाइम. इट वाज 1957, और नेहरू जी कांग्रेस वाले को कोस रहे थे कि आपने क्यों अपने पत्नियां को, व्हाई हैव यू ब्रॉट योर वाइव्स, आई टोल्ड यू हैव टू कम ऑन योर ओन, व्हाई हैव यू ब्रॉट योर वाइफ, वाइफ को क्यों लाए हैं, फैमिलीज को क्यों लाए हैं, बच्चे को क्यों लाए हैं. तो पीछे फिरोज गांधी बैठे थे, और उन्होंने पीछे से कहा, I didn't bring my wife here. मैंने wife को यहाँ नहीं लाया, क्योंकि वो डेज स्टेज पे नेहरू के साथ बैठी थी. तो आई थिंक, देखिए, जिस तरह से इंदिरा गांधी फिरोज गांधी का घर छोड़ के, अपना जो मैरिटल होम छोड़ करके वो वापस अपने पिता के पास चली गई, इंडिया की फर्स्ट लेडी बन गई, शी वॉज द होस्टेस, शी वॉज द पावरफुल लेडी इन दैट हाउस. फिरोज गांधी का जो असली सर्कमस्टांसिस था, दे वर डिफरेंट. ही वॉज MP, वो अलाहाबाद में थे, उनके पास उतना मनी, उनके बाद ही डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ पावर. सो ही हैड अ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इट वॉज अ बिग कॉम्प्लेक्स, इट वॉज इट आई थिंक डिस्ट्रॉयड द मैरिज. एक बार एक और स्टोरी है जो मैंने लिखा है कि एक फिरोज गांधी हाथ का काम बहुत अच्छी तरह से करते थे. लाइन, प्लीज नरेट. वो जिस तरह से वो ट्रेन्स बनाते थे, कारपेंट्री थे, कारपेंट्री और मतलब ट्रेन वगैरह वो सब बनाते थे, और उनके जो बेटे थे उनको सिखाते थे. तो एक बार एक फ्रेंड ने पूछा कि भाई फिरोज, तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम्हारी वाइफ इतनी, मतलब वो शी इज द प्राइम मिनिस्टर्स डॉटर, आप फिर मैकेनो बच्चों को क्यों सिखाते हो, कारपेंट्री क्यों सिखाते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी वाइफ बहुत अमीर है, वो बहुत पावरफुल है, और मैं इसलिए अपने बेटों को कारपेंट्री सिखाता हूँ कि अगर उन्हें कोई नौकरी नहीं मिला तो शायद वो कारपेंटर बन सकते हैं. शायद राजीव गांधी और संजय गांधी को अपने पिता का एडवाइस सुनना चाहिए था, शायद इफ दे हैड बिकम कारपेंटर्स. That's a very big and bold political statement you are making here. Maybe they would have been successful there also. They would also have been successful there. Also. Oh, now you are. पर ये त्रासदी की खासियत होती है, दुख थोड़ी सी कॉमेडी के अंश के साथ आता है. और जो सागरिका ने लिखा, जो फिरोज ने बोला कि मेरे बेटे एक अमीर माँ और गरीब बाप की औलाद हैं,
तो कभी उनकी किस्मत खराब हो, उनको गरीबी झेलनी पड़े, तो ये कारपेंटरी उनके काम आए, इसलिए मैं उनको ये चीज सिखा रहा हूँ। फिरोज और इंदिरा के बीच आखिरी में ताल्लुकात ठीक होने लगे थे और इंदिरा ने खत में भी लिखा था कि वो लिखा था कि मैं अभी सोच रही हूँ कि अब मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से इस्तीफा दे दिया है, अब मैं सोच रही हूँ। डोरोथी नॉर्मन वाज अ ग्रेट फ्रेंड, अमेरिकन ऑथर, चिट्ठी लिखा करती थी डोरोथी नॉर्मन को, और उन्होंने कहा कि अब मुझे मैंने ये तय कर लिया है कि अब मैं राजनीति छोड़ दूंगी और आई विल स्टे विद फिरोज एंड आई विल मेक आई विल डेडिकेटेड टू हिम आफ्टर फिरोज। एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या एक औरत जो एम्बिशियस है, एक महिला जो एम्बिशियस है, जो आगे जाना चाहती है, जो आगे बढ़ना चाहती है, जो जिंदगी में सक्सेस हासिल अपना मकाम कायम करना अपना मकाम करना चाहती है, क्या उन्हें अपने जो जिंदगी में जो पावरफुल मेल्स हैं, क्या उनसे छुटकारा मिलकर ही क्या वो ये कर सकती है? क्योंकि इफ नेहरू हैड नॉट डाइड, इफ फिरोज हैड नॉट डाइड, could she have been a politician? I don't know. True. So, you know, in a way, ye kehna theek shayad nahi hai, par it was only the death of Firoz Gandhi and the death of Nehru that enabled the emergence of Indira Gandhi. Aapne Firoz ki death ka zikr kiya. Mujhe aisa lagta hai ki Sanjay Gandhi bhi apni mummy se Firoz ki death ka baar baar zikr karte honge. Kya tha? Guilt factor tha? Itni chhoot? Haan, pura sa tha. Sar pe sawar, mazaak bana diya pure mulk ka. Absolutely, मतलब she was blind, जैसे हम कहते हैं ना, मैंने एक आर्टिकल लिखा था धृतराष्ट्र सिंड्रोम, जो धृतराष्ट्र जो थे वो ब्लाइंड पेरेंट थे, और इट्स अ मेटाफर फॉर द ब्लाइंड पेरेंट, जो पेरेंट, जो पिता या माता जो नहीं, वो जो देख नहीं पा रहा है, जो ब्लाइंड है, जो अंधा है, पुत्र मोह में अंधा है, तो she was, and उसका नाम भी संजय था, जो महाभारत के जो फील्ड में जो दिखाते हैं सारी चीजों का वर्णन करते हैं, धृतराष्ट्र को जो बता रहे थे, बताया जिन्होंने, उनका नाम भी संजय था, तो शी वॉज अ सफरर फ्रॉम द धृतराष्ट्र सिंड्रोम, कि पुत्र मोह में, जैसे आपने कहा, अंधा, शी कुड नॉट सी, एंड जैसे आपने कहा गिल्ट फैक्टर, देखिए कोई भी माँ जो एम्बिशियस है, जो सक्सेस हासिल करती है, उनको कभी कभी लगता है कि शायद मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया बच्चों को, शायद मैंने बच्चों के साथ ज़्यादा खेला नहीं, शायद मैंने जो माँ को करना चाहिए शायद मैंने नहीं किया, शायद मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा मस्त हो गई, मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई, शायद मैंने, मे बी आई वॉजेंट अ गुड मदर, शायद मैंने ठीक नहीं किया, और जिस तरह से मैंने फिरोज़ को छोड़ करके आई वेंट टू नेहरूज हाउस, शायद बच्चों को, एंड आई थिंक द बॉयज रिजेंटेड इट, यू नो, आई थिंक दे बिकॉज़ पुपुल जयकर, जो इंदिरा गांधी के बहुत करीब की फ्रेंड थी, और जिन्होंने लिखा है कि बोथ इंदिरा एंड संजय मतलब बैड फील करते थे कि इस तरह से, बिकॉज वो देखते थे ना कि माँ कहाँ है और पापा कहाँ है, माँ तीन मूर्ति में रह रही है, माँ तीन मूर्ति में पावरफुल लाइफ जी रही हैं और विदेश यात्रा पे जा रही हैं, यूएस, यूरोप, ग्लिटरिंग लाइफस्टाइल जी रही हैं, और पिता यहाँ पर हैं, अलाहाबाद में हैं, छोटा सा, जैसे वो माउंट बैटन का डिनर जिसमें ये बगल में बैठी हैं और वो उनके प्रेस अटाची के साथ बैठे हुए हैं, और तो इस तरह से एक काइंड ऑफ अ गिल्ट, काइंड ऑफ अ एंगर वॉज देयर इन द बॉयज, ये फिर बुपुल जयकर ने ये लिखा है कि संजय पर्टिकुलरली उनके अंदर एक गुस्सा था कि मेरी माँ ने मेरे पिताजी को ठीक तरह से वो नहीं किया, देखा नहीं, ट्रीट नहीं किया, देखा नहीं वगैरह, शायद ये एक मेल शोविनिज्म भी है ना, कि अगर जब अगर पिता ये करता तो उतना गुस्सा शायद नहीं होता, इस बात का गुस्सा नहीं रहा कि नाना ने नानी को उतना ध्यान नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, एग्जैक्टली, या अगर या दादाजी भी शायद दादी को उतना ध्यान नहीं दिया, पर माँ ने जो पापा जो पिताजी को किया इसको वो कभी शायद फॉरगिव नहीं कर पाए, और उसका गलत गलत इस्तेमाल किया शायद। संवाद का ये सिलसिला ललन टॉप के न्यूज रूम से लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक करिए और यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया, थैंक यू।